डोगरा सदर सभा जो सबसे पुरानी सामाजिक सोशल और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन तमाम डोगरों की है जम्मू कश्मीर की, उसकी तरफ से आज इस शुभ दिन पर महाराजा हरि सिंह जी को याद करते हुए, उनके कारनामों को याद करते हुए गवर्नमेंट ने आखिर वो बड़ी दरीना मांग डोगरों की मान ली और छुट्टी डिक्लेयर की। तो सभा की तरफ से मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने इसको अलाउ किया, उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उन संस्थाओं को जिन्होंने मिलकर ये संघर्ष पिछले 10 साल से किया है और आज ये देखने को दिन मिला है, और युवा राजपूत सभा के उन नौजवानों को जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिन पर तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन वो इस संघर्ष में जुटे रहे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। डोगरा सदर सभा की तरफ से अब से नहीं, पिछले कई सालों से हम बार बार ये बात उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज एंटी नेशनल फोर्सेस सिर उठा रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जम्मू कश्मीर की असली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है या प्रॉपर ढंग से लिखा नहीं, वो उस जनरेशन से गायब है। आज कश्मीर के भी उन नौजवानों को पता लगे कि ये कैसे लोग थे, कैसे रियासत बनी, वो कहानी याद आए तो मुझे लगता है कि नेशनलिज्म उनके अंदर भी आएगा जो आज एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथ चढ़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक कारण था जो डोगरा सदर सभा की तरफ से हम कई दशकों से चला रहे हैं कि इन 75 सालों में सबसे बड़ी देशभक्ति की कमी यहाँ पर इसलिए आई कि आपने उन चीज़ों को छुपा दिया। आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी से महाराजा हरि सिंह को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ डोगरा सदर सभा की मैं बड़ी बातें हुई और हमने फैसला किया कि इनका दिन जो है वो सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाएं, उसका नाम हमने रखा सामाजिक न्याय दिवस और सोशल जस्टिस, ये हमने रखा इसलिए रखा कि आज के दिन उन रिफॉर्म्स को, उन एक्शन को जो उस ग्रेट महाराजा ने किए लिए, उसको हम याद करें ताकि हमारे संतानों को पता लगे कि ये महाराजा हरि सिंह था जिसने आज जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हो उसके टाइम बने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन, आज जितना यहाँ पर आप यह छुआछात की बात करते हैं, गांधी जी तो बाद में आए, ये महाराजा हरि सिंह था, उसने हरिजन कंज पूज के मंदिरों के दरवाजे खोल दिए और कुएँ खोल दिए और इस छुआछात को ख़त्म करने का एक जबरदस्त बीड़ा उठाया, ये महाराजा हरि सिंह था। आप अंदाज़ा लगाओ कि अंग्रेज़ों ने 560 महाराजाओं को लंदन बुलाया पार्लियामेंट के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की इस ख्वाहिश से कि हमें राजाओं को मना के ये कहलवा लेंगे इनको कि हमें अंग्रेज़ों का राज मंजूर है, लेकिन एक महाराजा हरि सिंह वहाँ उठे, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों को साफ तौर पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि मैं पहले भारतीय हूँ, भारत माता का सपूत हूँ, उसके बाद मैं महाराजा हूँ, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, ये महाराजा हरि सिंह। उसी दिन उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और जितना फौज के अंदर कत्लो गारत हुई कि आपस में हिंदू मुसलमान के झगड़े, ये सब साजिश अंग्रेज़ों की थी। इसलिए साथियों, आज मैं आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज मैं आपके माध्यम से पूरी सोसाइटी को यहाँ मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ ये अपील करता हूँ कि इस दिन को जो नाम दिया हमने, अब देखिए जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट जस्ट, हमने इसलिए इंसाफ का नाम दिया है कि जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट महाराजा हरि सिंह ने एस्टेब्लिश की, आज यहाँ पर ये केसेस हमारे जा रहे हैं और किस तरीके से फैसले हो रहे हैं, ये उनकी देन थी, इंसाफ पसंद थे। महाराजा हरि सिंह का भाषण राजतिलक भवन के अंदर जब 1925 में गद्दी पर बैठे, पहले भाषण में कहा कि सारे धर्म इस रियासत के मेरे धर्म हैं, मेरा अपना धर्म इंसाफ है, इसलिए वो इतना इंसाफ पसंद महाराजा था। आज भी वो बुज़ुर्ग जो ज़्यादा उम्र के हैं जानते हैं, वो इस नाम से जानते हैं महाराजा हरि सिंह को और कहते हैं कि काश कि महाराजा हरि सिंह का राज वापस आ जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, मैं अपनी तरफ से, समूची डोगरा समाज की तरफ से, जिस सभा का मैं प्रेसिडेंट हूँ, सब साथियों साथी मेरे साथ हैं, सबकी तरफ से मैं यहाँ मुबारकबाद देता हूँ
वहाँ सारे डुग्गर प्रदेश को ये कहना चाहता हूँ, उठो जागो। जिस रियासत को हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ देकर, उन पहाड़ों के अंदर आज भी उनकी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, जिस तरीके से रशिया, अफगानिस्तान, चाइना के साथ रिश्तें पहुँचाई थी, उन बुज़ुर्गों को हम याद करें।